बॉयज अफ्रेड में एस्टर बोको सिटी से सबर्ब्स, सबर्ब से फॉरेस्ट और वहां से बो के बचपन के घर में ट्रांजिशन करते हैं। यूनिक डिमांड्स, खतरों और अपॉर्चुनिटीज के साथ हर एक सेटिंग बहुत अलग है, लेकिन उन सभी में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये सभी जगह वहां रहने वालों को उस जगह के अकॉर्डिंग शेप करती है। जैसे वो क्या कर सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी जिंदगी में लोगों की क्वालिटी भी। सिटी में ये केओस और तबाही है। समाज सबसे निचले स्तर पर है। ह्यूमन नेचर के सभी बुरे पहलू बहुत हावी हैं। एंगर, पैरानोया, हिंसा, पुअर कम्युनिकेशन, स्टुपिडिटी, स्वार्थ, लोग एक दूसरे के लिए क्रूअल हैं और हम देख सकते हैं कि वो कितना अलग थलग है, वो कितना डरा हुआ है। सब कुछ अगली है। वो जिंदा रहने के लिए बस यही सब कर सकता है जो वो कर रहा है। सबर्ब्स में वो रॉजर और ग्रेस के घर में है। ये सिटी के बिल्कुल ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट में है। सब कुछ साफ, शांत और अच्छा है। रॉजर और ग्रेस देखभाल करने वाले और दयालु लोग हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे बो को एक सुनहरा मौका मिल गया है, लेकिन हमें जल्द ही एहसास हो गया कि ग्रेस और रॉजर रियलिटी में अच्छे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा बनावटी हैं। वो वॉर में अपने बेटे की मौत के दुख से त्रस्त हैं और मोना ने बो की देखभाल के लिए उन्हें पैसे दिए। उनकी बेटी टोनी इस घर की उपज है। वो इस बात से गुस्से में है कि उसके माँ बाप अपने मरे हुए बेटे को उससे ऊपर रखते हैं और उसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो बिहेव भी उसी तरह करती है। हालांकि ये माहौल सिटी के लोगों के बिहेवियर से कहीं ज़्यादा छिपा हुआ है, लेकिन ये अभी भी क्रूअल और डीह्यूमनाइजिंग है। अपने माँ बाप के पास वापस जाने के लिए टोनी अपने भाई के म्यूजियम जैसे कमरे में पेंट पी के मर जाती है। बो के बचपन के घर में हम उन तरीकों के बारे में सीखते हैं जिनसे मोना ने बो को पाला पोसा है। उसकी मैनिपुलेशंस, उसके फैसले, उसका झूठ, उसका अब्यूज, बो उस एनवायरनमेंट का बाय प्रोडक्ट है। ठीक वैसे ही जैसे टोनी, रॉजर और ग्रेस के बनाए गए इकोसिस्टम का बाय प्रोडक्ट था, ठीक वैसे ही जैसे सिटी के हालात सिटी की सरकार द्वारा बनाया गया एक इकोसिस्टम था। एस्टर यहाँ माँ बाप और बच्चों को समाज और उसके सिटीजन्स की तरह जोड़कर देखते हैं और ये स्टेटमेंट देते हैं कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं, उसी तरह समाज अपने सिटीजन्स के फ्यूचर को अफेक्ट करता है। यही वजह है कि बो इज अफ्रेड बो और मोना के बीच प्राइवेट टकराव के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि ऑडियंस के सामने एक ट्रायल के साथ खत्म होती है। ये माँ बाप और समाज, प्राइवेट और पब्लिक को जोड़ती है। ये सिर्फ मोना नहीं है जो बो को जज कर रही है, बल्कि समाज भी वही कर रहा है, जो इस आइडिया तक एक्सटेंडेड है कि बो के नसीब के लिए जिम्मेदार होने में मोना अकेली नहीं थी, समाज भी था। मोना और समाज दोनों ने ही उसे फेलियर बनाया है। इन सबके बाद आता है फॉरेस्ट। बो सिर्फ एक वक्त ऐसी सेटिंग में होता है जहां उसे एनकरेज किया जाता है, एम्पावर्ड फील कराया जाता है, अच्छा बर्ताव किया जाता है और वो एक बेहतर जिंदगी की कल्पना कर सकता है। और ये सब तब होता है जब वो जंगल में होता है ट्रैवलिंग थिएटर के साथ। ये एक अजनबियों के घर जैसी जगह है जो सिटी की एस्टैब्लिश दुनिया से दूर होती है या उसकी माँ से भी। उस दुनिया का भयानक एंड तब होता है जब एस्टैब्लिश दुनिया का एक रिप्रेजेंटेटिव जीव दर्जनों लोगों पर हमला करने लगता है और उनकी हत्या कर देता है। जब वो पहले से ही डिफाइंड दुनिया में है तो वो इस चिंता में बिजी है कि उसके पास सपने देखने, उम्मीद करने या क्रिएटिव होने के लिए कोई बैंडविड्थ नहीं है। लेकिन जंगल में एक ऐसी जगह जो वाइल्ड, फ्री और फुल ऑफ पोटेंशियल है, वो उस लंबे ड्रीम सीक्वेंस को एक्सपीरियंस करता है जहां वो एक और जिंदगी जीता है, जहां उसकी पत्नी और बच्चे हैं। और ये अभी भी स्ट्रगल से भरा हुआ तो है, लेकिन वहां एक खुशी है जो उसने कभी महसूस नहीं की है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि थिएटर ट्रूप को ऑर्फेन ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ये अनाथ होने का आइडिया, अपने माँ बाप से अलग होने का, समाज से अलग होने का, दोनों के पोटेंशियल नेगेटिव इन्फ्लुएंस से फ्री होने का आइडिया और अपने नेचुरल सेल्फ से करीब रहने के लिए अलाउ करता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? बो इज अफ्रेड का इम्प्लीकेशन ये है कि लोग माँ बाप और समाज के इन्फ्लुएंसेस पर कितने कमजोर और डिपेंडेंट हैं। जब आप बच्चे होते हैं तो ये आपके माँ बाप और उनका बनाया गया माइक्रोकॉस्म होता है। जब आप एडल्ट होते हैं
तो ये वो जगह है जहां आपकी एग्जिस्टेंस होती है और ये उस कम्युनिटी का माइक्रोकॉस्म होता है। अगर बचपन में आपके माँ बाप बुरे थे तब भी ऐसी जगह पर पहुंचना पॉसिबल है जो आपको एनकरेज करे, इंस्पिरेशन दे और सपोर्ट दे। अगर आपके माँ बाप बहुत ग्रेट हैं तब भी ये पॉसिबल है कि आप ऐसी जगह में जा पहुंचें जहां आपको लिमिटेशंस में रखा जाए या आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे माँ बाप कौन होंगे और वो हमारा पालन पोषण कैसे करेंगे, लेकिन हम जहाँ हैं हम उस पर कंट्रोल रख सकते हैं। वो ऐसे आदमी का एग्जाम्पल है जो इतना पैसिव है कि वो इन इन्फ्लुएंसेस को उसे तबाह करने की तरफ ले जाने देता है। उसका डर उसकी जिंदगी की ड्यूरेशन और क्वालिटी दोनों को सीमित कर देता है। और कुछ हद तक ये हर इंसान के लिए एक सच है। हम में से कुछ लोग दूसरों की तुलना में अपने डर को ज्यादा बेहतर ढंग से संभालते हैं, लेकिन कोई भी बिना डर के नहीं है। हर कोई डर से सीमित हो गया है। किसी के पास $1 अरब हो और उसका कोई करीबी दोस्त, परिवार या कोई लविंग पार्टनर ना हो। किसी के पास एक लविंग पार्टनर, दोस्त और परिवार हो सकता है, लेकिन उसकी इनकम लिमिटेड है क्योंकि सेल्फ डाउट ने उसके करियर ऑप्शंस को लिमिटेड कर दिया है। अननोन चीजों का डर दुनिया में भारी कैपेसिटी वाले किसी इंसान को अपना होम टाउन छोड़ने से रोक सकता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने डर से लड़ते हैं। बॉयज फ्राइडे हमें दिखाती है कि जब हम नहीं लड़ते तो क्या होता है, जब हम डर को जीतने देते हैं तो क्या होता है। तो भले ही ये एक बहुत नेगेटिव फिल्म है, पर ये काफी इंस्पिरेशनल भी है। नेगेटिव एग्जांपल्स हमें याद दिलाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसके जैसा नहीं होना चाहिए। आप बो की तरह जितने कम होंगे उतना बेहतर होगा, भले ही वो छोटी छोटी कामयाबी के साथ ही क्यों ना हो। ऐसी जगह ढूंढे जो आपको एम्पावर करती हो, ऐसे लोगों को ढूंढे जो आपको एम्पावर्ड बनाते हो। दूसरों के लिए भी वैसे ही इंसान बने। आप डर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहादुर बनना भी बेहद जरूरी है।